दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है, जहां पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में FIR दर्ज कर ली है। हालांकि पहलवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं 29 अप्रैल को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंची और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबके बच्चे हैं। और मतलब और क्या कह रहे, ये कह रहे हैं ना कि हमारी अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका। प्रियंका गांधी ने पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा कि जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं। दूसरी ओर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे अपने कर्म पर भरोसा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर मुझे नहीं करना, इस पर बहुत बातें आ चुकी है, इस पर मुझे नहीं करना। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, IO ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया, अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिले। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पहलवानों का आरोप है कि पुलिस ने उनके धरने स्थल की लाइट काट दी है और सभी गेट बंद करके उनके मंगाए सामान भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बड़ा हो गया है जो उसकी हरकत जो हो रही है, खिलाड़ियों की गला पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि पहलवानों के पंखे बंद हैं, लाइट बंद है, और जो फोन की टॉर्च है उसमें रोटियां खा रहे हैं पहलवान। बजरंग हैं, संगीता, विनेश, साक्षी, सत्यव्रत, सोमवीर, सारे पहलवान आज आप देख सकते हैं। आड़े घर बनाना पड़ेगा भाई, देख लिया हिसाब किताब, लट खाओगे तो कट्ठे खा ले सारे। अब दोबारा वो माहौल बनाना पड़ेगा जो एक साल पहले चल लिया था। गौरतलब है कि ये पूरा मामला 18 जनवरी को सामने आया था। तब जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान इकट्ठा हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण, तानाशाही, मनमानी, अपशब्दों का इस्तेमाल, मानसिक प्रताड़ना और आवाज उठाने पर धमकाने के आरोप लगाए थे।